Earlier we have discussed about the functionality or functions of computer system, how it works, the basic functionality of computer system, basic elements of computer system, basic parts of computer system like input, processing and output. Then we have discussed about the hardware and software, basic definition of hardware and software. Now I have our first chapter, Know Your Computer, so part 2 padenge. Part 2 hamara kaun sa hai, to hardware aur software mein hum details mein uske kar uski functionality aur example dekhenge. Yahan par sabse pehle computer hardware ki baat ki jaye to humne kitne sare hardware dekhe hain aur use kar rahe hain. Computer hardware is a things, is a device that we can touch, that we can feel, that we can see. जो हम देख सकते हैं, touch कर सकते हैं और feel कर सकते हैं, वो सभी हमारे computer hardware हैं. जैसे कि हमने बोला था, हमने देखा था figure में, diagrams में, कि सब input, output और storage और processing unit, जैसे कि input unit और device के लिए हार्डवेयर कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैन. उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर यूनिट के लिए कौन से हार्डवेयर डिवाइस है हमारे पास, कौन से हार्डवेयर डिवाइस है. यहाँ लिखा गया है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, उसके अंदर कौन से सब एलिमेंट्स हैं, सब हार्डवेयर है. फर्स्ट है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और दूसरा हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर उसका एलिमेंट है वो है एलयू, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट. ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों कंप्यूटर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन की मदद से हमारा सीपीयू मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है. तो ये थे हमारे प्रोसेसिंग हार्डवेयर. उसके बाद देखा जाए तो कौन से आते हैं, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट और डिवाइस. जो हमारा स्टोरेज और मेमोरी के हार्डवेयर से उसमें सबसे पहले आते हैं रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव. ठीक है, हार्ड डिस्क पता है, सीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्जन का डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, यूएसबी मतलब पेन ड्राइव आते हैं, कार्ड रीडर आते हैं, यूएसबी पोर्ट आते हैं, यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल, बी फॉर बस, यूनिवर्सल सीरियल बस. ठीक है, उसके बाद नंबर फोर पर हमारा आउटपुट डिवाइस, आउटपुट हार्डवेयर है वो है मॉनिटर. मॉनिटर जो हमारे टीवी स्क्रीन जैसा दिखता है वो है मॉनिटर. इसमें आप आउटपुट रिजल्ट देखते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस मॉनिटर, जिसके कितने सारे टाइप्स थे, जिसमें से तीन महत्वपूर्ण सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, पुराने जमाने वाला डब्बा मॉनिटर जो कैथोड रे ट्यूब. उसके बाद आता है एलसीडी, लिक्विफाइड और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी वाला. फिर नंबर थ्री, आज के जमाने में टीवी और कंप्यूटर के फेमस डिवाइस है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड. एलईडी, एल फॉर लाइट, ई फॉर एमिटिंग एंड डी फॉर डायोड. वो तीनों हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर है, वो हमारे तीनों आउटपुट हार्डवेयर है. ये थे हमारे हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर. उसके बाद ये हार्डवेयर हम ये भी बोल सकते हैं सर, पेरिफेरल डिवाइस और आईओ डिवाइस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस.
एक सॉफ्टवेयर बनती है। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में तीन चीजें आती है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकम्स द डेटा एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस एनालिसिस ऑफ डेटा बिकम्स अवर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एंड तीनों के कॉम्बिनेशन मतलब इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये तीनों चीजों मिलाकर सॉफ्टवेयर बनता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनता है। सो दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम रिलेटेड डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन, यही हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। ये हम लोग इसमें दो महत्वपूर्ण टाइप्स है, मेन टू टाइप्स है। फर्स्ट टाइप में हम देख रहे हो वो फर्स्ट टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम उसका बेस्ट एग्जाम्पल, जो हम जो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को यूजिंग के लिए महत्वपूर्ण है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एस वी नो दैट हम जानते हैं कि सीपीयू का काम सारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, और ये सीपीयू कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के लिए सीपीयू को ये सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसकी मदद से जिसकी हेल्प से कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि हम यूजर्स को कंप्यूटर के साथ जोड़ना है, ये दोनों के बीच में जो ब्रिज आता है, जो पुल है, वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से है उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम ओएस बोल सकते हैं। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा बेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप सबको पता है, यूज करते हो विंडोज से लेकर 98, 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सभी हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैक कंपनी का मैक ओएस, जो मैक ओएस है, जो यहाँ काफी सारे वो मैकबुक भी से आते हैं एप्पल कंपनी के, उसमें ओएस चलाई जाती है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखा जाए तो लिनक्स यूनिक्स भी हमारा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लिनक्स और यूनिक्स मतलब ये दोनों भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर थ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसकी डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन विच इज डेवलप्ड टू मेक पर्सनल यूज सम स्पेसिफाइड यूज इज नॉन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्सनल यूज के लिए, कोई स्पेसिफाइड बिजनेस पर्पज के लिए और अदर पर्पज के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है, स्पेसिफिकली डेवलप किया जाता है, वो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। काफी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को और टेक्नोलॉजी को इम्प्लांट करते हैं, एनहेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। उसमें फर्स्ट कैटेगरी है, यहाँ पर कुछ तीन एग्जाम्पल जो हम देखेंगे, उसमें फर्स्ट कैटेगरी है वर्ड प्रोसेसर और वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड पेन, ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड थिंग इमेज एडिटर, इमेज एडिटिंग, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो सब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। उसमें देखा जाए तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पेंट ब्रश है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रो है, पेज पेंटर है, और काफी सारे यहाँ पर एडिटिंग, फोटो एडिटिंग
ठीक है। और नंबर तीन पर है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, मीटिंग के लिए, स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, ई लर्निंग के लिए, सेमिनार के लिए, वर्कशॉप के लिए, काफी सारी चीजों के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो हम कंप्यूटर लैपटॉप या फिर प्रोजेक्टर पर लगा रहे हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो बाकी सारे लोग बच्चों आप इस ये पॉइंट्स क्वेश्चन नोट डाउन किए होंगे।